हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। मैं हूं नवीन सर, और आज जो है पहला पार्ट है भारतीय संविधान को कहां से लिखा गया और संविधान की शुरुआत कहां से हुई, इसके बारे में जो है सो आज पहला क्लास है। तो उम्मीद है कि आप इसको पूरा देखेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से कानून का विकास हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आज का जो क्लास है वो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं टॉपिक पे और जानते हैं कि कहां से कौन सा कानून कब पारित हुआ। देखिए, पहले हमने संवैधानिक विकास को लिया है कि संविधान का विकास कैसे हुआ। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1858 का चार्टर एक्ट। ठीक है, तो हम लोग जो है इस चार्टर एक्ट के थ्रू कैसे कैसे कानून का विकास हुआ है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे और नॉलेज प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इस एक्ट को 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद के द्वारा पास किया गया। ठीक है, तथा 1774 में लागू किया गया। इस अधिनियम में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल 4 वर्ष का कर दिया गया। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्य 4 साल का किया गया है। फाइलम प्रेसिडेंसी बंगाल के प्रशासक को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं तीसरा में, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जहां अंग्रेजी में न्याय होता था। ठीक है, फिर जैसे चौथा में है, कर्मचारियों को निजी व्यापार पर प्रतिबंधित कर दिया गया। कर्मचारियों को निजी व्यापार व्यापार प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, अब जो है सो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इस एक्ट में, इस कानून में क्या सब कानून में बना है, क्या सुधार किया गया उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इस एक्ट में विवाद को लेकर ब्रिटेन में लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की मिलीजुली सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा। यह पहला और अंतिम अवसर था जब किसी भारतीय मामलों पर ब्रिटिश सरकार गिर गई। ठीक है, अब देख लीजिए, द्वैध शासन की स्थापना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों के लिए, तो व्यापारिक मामलों के लिए क्या हुआ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के लिए बना, जो 1856 ईस्वी तक कायम रहा। ठीक है, 1856 तक कायम रहा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के लिए बना, जो 1856 ईस्वी तक कायम रहा। उसका दूसरा है, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियां भी गवर्नर जनरल एवं उसके परिषद के अधीन हो गई। बंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी भी गवर्नर जनरल के और उसके परिषद के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल के परिषदों की संख्या 3 कर दी गई और गवर्नर के परिषदों पर विशेष अधिकार दे दिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल के परिषदों की संख्या 3 कर दिया गया यहाँ पे, और गवर्नर के परिषदों पर विशेष अधिकार दिया गया। अब देख लीजिए चौथा क्या है, गवर्नर जनरल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना भारतीय नरेश यानी भारत का राजा युद्ध या संधि नहीं कर सकता था। ठीक है, क्या है यहाँ पे, गवर्नर जनरल चौथा में, गवर्नर जनरल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना भारतीय राजा युद्ध भी नहीं कर सकते थे और संधि भी नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह से कानून लाया गया। फिर है 1793 का चार्टर एक्ट। ठीक है, इसके अंतर्गत लंदन स्थित नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों एवं कर्मचारियों का वेतन एवं भत्ता भारतीय कोष से देने का निर्णय किया गया, जो व्यवस्था 1719 तक कायम रहे। तो 1793 का जो चार्टर एक्ट था उसमें क्या है, मतलब उसमें जो है सो कर्मचारियों का भत्ता पेंशन आदि के लिए भारतीय कोष से देने का निर्णय किया गया, जो व्यवस्था 1919 तक बनी रही। अब देखिए 1813 का चार्टर एक्ट, इस अधिनियम का मुख्य प्रावधान निम्न है। ठीक है, पहला क्या है, कंपनी के व्यापारिक अधिकार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु चीन देश और चाय पर अधिकार कायम रहा। ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट में कंपनी के व्यापारिक अधिकार को तो समाप्त किया गया, परंतु चीन देश में बांटवार राजकरों की नीति चलती थी और चाय के प्रतिबंध पर कंपनी का अधिकार
जो है रखा गया है। अब देख लीजिए, भारतीयों के लिए 1 लाख वार्षिक 1 लाख रुपया वार्षिक शिक्षा में सुधार, साहित्य के सुधार एवं पुनरुत्थान के लिए भारतीय प्रदेशों में विज्ञान की प्रगति के लिए खर्च करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, वही 1813 के चार्टर एक्ट में ये नियम लाया, मतलब कानून पास किया गया। ठीक है, उसके बाद है प्रथम बार भारत पर अंग्रेजों की स्थिति स्पष्ट की गई, ये चीज है। फिर है 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट का मुख्य प्रावधान, कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया। ठीक है, 1833 में जो है कंपनी का व्यापारिक अधिकार को समाप्त किया गया। दूसरा है कंपनी के अब केवल राजनीतिक अधिकार बचे। तीसरा है बंगाल का गवर्नर जनरल और भारत का गवर्नर जनरल हो गया 1833 के मतलब चार्टर एक्ट के कानून के हिसाब से। अब देखिए चौथा में क्या है, भारतीय कानूनों को संचित, लिपिबद्ध तथा सुधारने के लिए विधि आयोग का गठन किया गया। ठीक है, चौथा में। पांचवा है नियुक्ति के लिए योग्यता संबंधी मापदंड अपनाकर भेदभाव समाप्त कर दिया, छोट बड़ ऊंच नीच समाप्त कर दिया गया। ठीक है, फिर छठा में भारत में दासता को अवैध 1843 में घोषित किया गया। यहाँ जो है गुलाम बनाने की जो प्रथा थी, दास प्रथा जो थी, वो उसको खत्म कर दिया गया 1843 में। ठीक है, फिर आपका आ गया 1853 का चार्टर एक्ट। अब देखिए 1833 के बाद 1853, 20 साल बाद यहाँ चार्टर एक्ट फिर से लागू किया गया। इसमें निम्न प्रावधान किए गए, इसके द्वारा कंपनी को ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत का क्षेत्र ट्रस्ट के रूप में तब तक रखने का अधिकार मिला जब तक ब्रिटिश सांसद चाहेगा। ठीक है, इसके द्वारा कंपनी को ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत का क्षेत्र ट्रस्ट के रूप में तब तक रखने का अधिकार मिला जब तक ब्रिटिश सांसद चाहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा में, ब्रिटिश सदस्य अब गवर्नर जनरल का काउंसिल का सदस्य बन गया। विधि सदस्य अब गवर्नर जनरल के काउंसिल का सदस्य बन गया। तीसरा है सरकारी सेवा की नियुक्तियां अब डायरेक्टर के द्वारा न होकर परीक्षा द्वारा होने लगी। ठीक है, 1853 में ये व्यवस्था की गई थी, उसके द्वारा सरकारी सेवा की नियुक्तियां डायरेक्टर द्वारा न होकर परीक्षा के द्वारा होने लगा। अब 1858 का चार्टर एक्ट है, लास्ट में यहाँ पे है 1858 का चार्टर एक्ट, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया तथा उसकी जिम्मेदारी ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई। भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल वायसराय उसी समय 1858 में कहा जाने लगा। अब देखिए भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद की ब्रिटिश संसद का सीधा अधिकार हुआ, भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा अधिकार हुआ है। तीसरा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल एवं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का समस्त अधिकार सीधा भारत के सचिव को सौंप दिया गया। भारतीय सचिव को ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, भारत के सचिव को सौंप दिया। भारतीय सचिव जो है ना ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों का भारतीय परिषद का गठन किया गया। तो इस तरह से जो है आज का जो है सो क्लास था। उम्मीद है इसको अगर आप एक दो बार तीन बार समझ के पढ़ के देख लें तो समझ में आएगा कि कानून जो है सो किस तरह से अपने अस्तित्व में आया और इस तरह से भारतीय कानून की व्यवस्था की गई है। तो चलिए आज का ये क्लास यहीं समाप्त होता है और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए।